एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज मैं सेकंड टाइम चिटचैट वीडियो बना रही हूँ। मैंने चिटचैट वीडियो लास्ट कब किया था, जब मैंने यूट्यूब पे अपना पहला वीडियो शेयर किया था। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं चिटचैट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं यहाँ पे स्किन केयर रूटीन लेके आई हूँ अपना, क्योंकि मैंने हाल ही में इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की थी। उसमें मैंने आपको चार ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको एक चूज करना था, जिसमें से आपने स्किन केयर को चूज किया था। वो चार ऑप्शन थे ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, ग्लैम मेकअप एंड स्किन केयर। सो आप लोगों ने स्किन केयर को चूज किया, इसके लिए मैं आज स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ, मेरा जो रूटीन है डेली का। तो आज हम बात करने वाले यहाँ पे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट की, जो कि यू नो काफी अफोर्डेबल रेंज में अवेलेबल है। आपको पर्पल पे ये मिल जाएगा इजीली। आपको दिखाना चाहूंगी, मैं इसे 2 महीने से यूज कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट बॉटल था, ये ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, और मैंने यहाँ पे नए ऑर्डर करके रखे हैं। सो जैसे ये खत्म होगा मैं इसकी अनपैकिंग कर दूँ। बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे यूज करना है, आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी आपके स्किन केयर रूटीन में, और जो मैं यूज करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पे इस तरह से ले लेना है, बस इतना क्वांटिटी बस होगा। बाद मैं अपनी स्किन पे इसे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। आपको इसे एटलीस्ट 2 to 3 मिनट मसाज करना है, क्योंकि मसाजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करो स्किन केयर में, आप लाइक ऐसे 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 लगा के नहीं यूज करना है। आपको फेस वॉश यूज करो या फिर कोई भी चीज यूज करो, आपको हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करना है आपको अच्छी तरह से। और आपको इस वाले एरिया को नहीं भूलना है, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है हम लोग इस तरह से इतने दूर में मसाज करके वॉश करके छोड़ देते हैं। सो हमारे ये एरिया जो है वो डल दिखता है थोड़ा सा, स्किन का जो कलर होता है रिफ्लेक्शन अलग अलग आता है। तो आपको अच्छी तरह से पूरा वॉश करना है इस तरह से मसाज करते हुए। अपने अंडर आई पे भी मसाज करें आप इस तरह से, ज्यादा जोर ना लगाए, हल्के हाथों से ही आपको मसाज करना है। आप अपने गले को भी लगाएं, गले को भी क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी फाउंडेशन या प्रोडक्ट यूज करते हो या फिर नॉर्मल पाउडर भी लगाते हो तो आप गले पे भी अप्लाई करते हो। सो यहाँ पे भी आप अप्लाई करें। सो आप देख सकते हो सारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे स्किन ने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। सो नाउ आप इसे वॉश कर सकते हो। सो मैं फेस को वॉश करके आती हूँ। मैंने फेस वॉश कर लिया है, अब मैं इसे क्लीन कर लूंगी। आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरह से रब ना करें, आपको इस तरह से डैब करते हुए ही इसे ना सुखा लेना है आपको। इस तरह से रबिंग से आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है, सो आपको जस्ट इसे डैब करते हुए ही पानी को सुखा लेना है। तो फिर आप देख सकते हो मैंने जस्ट क्लींजर ही अप्लाई किया है, मेरे स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आया है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं फेयर स्किन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक अच्छे हेल्दी स्किन केयर रूटीन की बात कर रही हूँ। पे ग्रीन टी फेस वॉश यूज करेंगे, और आपको सेम अमाउंट लेना है, लाइक एक पंप इज इनफ इस तरह से, और आपको अपने फेस पे इस तरह से इवनली अप्लाई कर लेना है। जो हमने चारकोल क्लींजर यूज किया था उसमें मिंट है, सो आप जब अपने फेस पे मसाज करोगे तो आपको काफी अच्छा यू नो एक स्मेल एंड जो मिंट वाला फ्लेवर होता है वो आपको स्मेल करने मिलेगा, एंड काफी अच्छा लगेगा आपको यूज करके। आपके फेस पे फुल यू नो फ्रेशनेस जैसी फीलिंग आ जाएगी आपको। सो नाउ अब हम इसे मसाज करेंगे अगेन। द बेस्ट पार्ट इज
ये जब आंखों में जाता है आपको तो जलन नहीं होती है, इरिटेशन नहीं होता है, लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। एंड यू नो ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। इसके दो साइज़ अवेलेबल है, ये 120 ml का साइज़ है फिलहाल मेरे पास। इससे बड़ा वाला साइज़ भी अवेलेबल है, अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए एक ही बार ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। बट मुझे इसे ट्राई करना था, यूज़ करना था कि ये मेरे स्किन पे कैसा है, इसके लिए मैंने इसे ये वाला साइज़ ऑर्डर किया था। सो आपको इस तरह से इसे मसाज कर लेना है थोड़ा पानी लेते हुए। अगेन आपको अपने फेस का पूरा एरिया कवर कर लेना है। मैं आपको ज़रूरी नहीं है कि मैं यही एक नो स्किन केयर रिकमेंड करूँ, आप नॉर्मल भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, कोई भी जो आप काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हो, तो आपको यू नो लेके लाइक ऐसे 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 करके धो नहीं लेना है। आपको उसे अच्छी तरह से अपने फेस पे जेंटली मसाज करना है। एंड ट्रस्ट मी, आप एक हफ्ते में काफ़ी अच्छा यू नो असर देखेंगे अपने फेस पे। आपकी स्किन काफ़ी यू नो स्मूथ एंड ग्लोइंग दिखेगी आपको, क्योंकि उसे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप अपने फेस पे मसाज करते हो तो आपकी फेस भी काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन देती है आपको। मेरा हो चुका है मसाज करके अच्छी तरह से, अब मैं इसे धो लूँगी। मैंने फेस वॉश कर लिया है, इसे अगेन आपको डैप करते हुए इस तरह से सुखा लेना है। पे मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ हनी ग्लो का। टोनर से जो आपके स्किन के पोर्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, जिससे डर्ट वगैरह आपके स्किन में नहीं जा पाते। सो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये पंप में आता है, लाइक आपको इस तरह से स्प्रे कर लेना है। आपको कभी भी टोनर टिश्यू से नहीं अप्लाई करना, ना ही किसी कॉटन पैड से अप्लाई करना है, क्योंकि उसमें भी थोड़े बहुत डर्ट या मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक छोटे छोटे, वो आपकी स्किन में जाके बैठ जाते हैं। बट आप इस तरह से डायरेक्ट स्प्रे करके, इस तरह से आप हाथ से इसे ये कर सकते हो, मसाज कर सकते हो चाहिए तो, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा तो आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है या फिर फेशियल ऑयल अप्लाई करना है। सो ये सूख जाएगा, उसके बाद में अप्लाई करो। यहाँ पे हमारा फेस सूख चुका है, अब हम फोर स्टेप करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे गुड वाइब्स का आर्गन ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये 24 कैरेट फेशियल इट्स आर्गन फेशियल ऑयल विद गोल्ड लीव्स। 24 कैरेट जो गोल्ड लीव्स होते हैं उसमें ये है। सो आपको पहले इस तरह से शेक कर लेना है इसे, ताकि जो गोल्ड लीव्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। सो आपको शेक कर लेना है अच्छी तरह से, फिर आपको इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। लाइक आपको एकदम ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं अप्लाई करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। और इसे लगाते टाइम आपको अच्छी तरह से मसाज करना है, अपने फेस को थोड़ा वार्म कर लेना है, ताकि जो मॉइस्चराइजर या फेशियल ऑयल है आपके स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। आप इसे अपने लिप्स पे भी लगा सकते हो। सो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर अंडर आई क्रीम भी लगा सकते हो। मैं कभी कभी लगा लेती हूँ यूजुअली, जब मुझे लगता है कि मेरे अंडर आई ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं तब। मैं अरोमा जेल यूज़ करती हूँ, मैंने अपने लास्ट स्किन केयर वीडियो में उसे आपको शेयर किया था आप लोगों के साथ, आप चाहें तो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। अगर आपको और भी ऐसे चिटचैट वीडियो चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में DM करें, या फिर आपको कोई लुक चाहिए जो कि मैं रिक्रिएट करूँ, या फिर मैं ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मुझे ज़रूर आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मैं आपको एनी टाइम रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।